उसके बाद हमने ये ऐप डेवलप की है। इसके बाद हमने रिपोजिटरी तैयार की है मैम, आप उसका भी आज फॉर्मली इनॉग्रेट करोगे। यूट्यूब फर्स्ट ऑफ इट, ये पहला है और किसी जगह नहीं। एंड आई एम डेलिब्रेटिंग ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम डीआईसी सीईओ'स ऑफिस बार। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट डायवर्सिटी ऑफ लर्निंग इज द फर्स्ट चैप्टर और द फर्स्ट वे ऑफ एस्पेक्ट्स, वो सारे चेक किए जाएंगे मैम। किंडरगार्टन इन केस ऑफ द आईसीटी लैब्स इन केस ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्न फ्रॉम चंदनवारी। आशिफ मोहम्मद जाहिद फ्रॉम जून कुंजर। मोहम्मद रमजान जीरो जीरो। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली जो हमने बात देखा था, जो हमने सोचा था कि कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स हम करेंगे ताकि हम एस्पिरेशन से आप बाकियों के लिए एक आइडियल और इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बने, वो मुझे लग रहा है कि आज पूरा हो रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है जिससे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनकी शायद रसाई जो है हम तक नहीं है या उन रिसोर्सेज तक नहीं है जो बाकी लोगों को अर्बन एरियाज में बहुत हाईली जहां पर टेक्निकल चीजें अवेलेबल होती हैं वहां तक उनकी रसाई नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो है उन तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हो या डिजिटल स्टूडियो। तो मैं आज बड़ी खुश हुई कि आप लोगों ने इसमें काफी रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फायदा उठाएंगे ना ही सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि उन जगहों पर बैठे हुए बच्चे जिनको शायद ये इल्म भी नहीं है कि ये चीजें हो रही हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि मैं चाहती हूँ सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे इसका फायदा उठाएं, पूरी जे एंड के और हो सकता है कि पूरी कंट्री के हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस मटीरियल का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज जो आज हमने नूर लॉन्च किया है उसकी भी जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं या हायर सेकेंडरी में जाते हैं तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको ट्रैक करना बड़ा जरूरी है और उनके लिए ही ये ऐप जो है वो लॉन्च की जा रही है। और इसका नाम भी इसलिए रखा गया है क्योंकि जो एजुकेशन है जो जिसपे हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, रिसोर्सेज डाल रहे हैं, दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। अगर आपके पास इल्म है तो ही आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये आई एम होपफुल की नूर जो हमारी ऐप है उससे भी हमारे बच्चे ट्रैप होंगे और जो जिस भी हालत में हर एक बच्चा जो है वो इक्वली प्लेस नहीं होता है कुछ बच्चों को, और ये हमें देखने की जरूरत है इवन डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत से बच्चे हैं वो अर्ली एज से काम करना शुरू करते 12, 13, 14, 15, कोई अननेचुरल बात नहीं है, लेकिन क्या वो साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं या क्या हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं? तो आज मुझे लगता है कि एक बार उनकी एनालिसिस हो जाए, उनका सर्वे हो जाए तो हमें पता चलेगा ये कौन से बच्चे हैं, ये कहाँ होते हैं और इनको किस तरीके से इन वन वे और द अदर, चाहे वो इवनिंग स्कूल हो, चाहे वो होम स्कूलिंग हो, चाहे वो नॉन रेगुलर क्लासेस हो, जरूरी नहीं रेगुलर क्लासेस ही, तो उनको किस तरीके से हम ये जो इल्म है या जो नूर है वो मुहैया करवा सकते हैं। और आज जो हमने ये टैब्स दिए हैं ये भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सारे इसकी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाएंगे क्योंकि ये टैब सिर्फ कोई डिवाइस नहीं है, इस पर बहुत काम हो सकते हैं। और इनकी मैं खुद भी जोन में जाके देखूंगी कि किस तरीके से आप ZDOs या बाकी जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो इस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो भी बच्चे हम ट्रैक कर रहे हैं क्या उनके वो सही में अपनी जो एज अप्रोप्रिएट क्लासेस हैं या एज अप्रोप्रिएट कोर्सेज हैं उसमें जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।